जोधपुर में रात में फुटपाथ पर सो रहे 4 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना के 8 घंटे के अंदर ही पुलिस ने टीम बनाकर बच्चे को ढूंढ निकाला और साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं सहित एक महिला को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी ईस्ट भुवन भूषण यादव ने बताया कि बाइक पर आए 2 आरोपियों ने झालावाड़ निवासी दंपत्ति, जो कि घूमर होटल के आगे फुटपाथ पर सो रहे थे, उनके एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया। सुबह जब दंपत्ति ने देखा तो उनका बच्चा नहीं मिला, जिस पर मामला दर्ज कर पुलिस ने टीमों का गठन कर बाइक सवार आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी नागौरी गेट निवासी बंटी और आकाश को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों ने बताया कि उनकी परिचित रेखा नाम की महिला का कोई बच्चा नहीं है, जिस पर महिला ने उन दोनों को 10,000 रुपए दिए और बच्चा लाने की बात कही। इसके बाद दोनों आरोपियों ने बच्चे का अपहरण कर महिला को बच्चा सौंप दिया। 5:30 बजे करीब उदयनगरी थाने में जो एक झालावाड़ के रहने वाले हैं, वो दंपति अभी मजदूरी के लिए आए थे और कंट्रोल से थोड़ा सा आगे गए, वो सो रहे थे फुटपाथ पे। उन्होंने इतला दी कि सब रात को जब हम सुबह 5 बजे करीब उठे तो हमारा बच्चा हमें गायब मिला। इस पर तुरंत डीओ ने कार्रवाई करी और एसएचओ साहब उदयनंद जी हैं वो जब यहाँ पे आए, अमित सिंह जी, वो उन्होंने फटाफट इसमें जो भी कार्रवाई होती है कानूनी प्रक्रिया के तहत वो करी। और फिर एडिशनल एसएसआर नाजिम अली खान साहब और दयाभर जी के नेतृत्व में उन्होंने टीमें विभिन्न टीमें गठित करी। उन टीमों ने अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरा देखा, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई किया कि रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास इस बच्चे को लेकर मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गए थे। उन मोटरसाइकिल सवारों की पूरे जोधपुर शहर के अलग अलग कैमरों में देखा गया, देखने बाद उनकी मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया गया, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और लगभग 8 घंटे के भीतर भीतर शाम को 4:30-5 बजे के आसपास इन्होंने उस बच्चे को सकुशल दस्तियाब करके उसके माँ बाप को सुपुर्द किया। इसके अंदर जो 2 मुलजिम हैं जो लेके गए थे उनके नाम है बंटी पुत्र बुद्धाराम जो रहने वाला है नागौरी गेट थाना क्षेत्र का, और दूसरा आकाश गुंगा वो भी नागौरी गेट थाना क्षेत्र रहने वाला है। इन दोनों ने एक जो लेडी है जो उसमें तीसरी अभियुक्त है रेखा जो भी वहाँ की रहने वाली है नागौरी गेट थाना क्षेत्र की, उसके बच्चा नहीं था तो उसने इन लोगों को कहा कि मुझे कोई एक बच्चा तुम ला के दो। उसने उनको पैसों का लालच दिया। इस तरह से पिछले 5-7 दिन से बात कर रहे थे। कल रात को इन्होंने अलग अलग जगह पे रेकी करी, कई जगह इनको सफलता नहीं मिली। तो ये जगह वहाँ पे दंपति थोड़ी गहरी नींद में थे तो उन्होंने चुपके से एक लड़के ने गया उसको बच्चा को उठाया, दूसरा मोटरसाइकिल में जाग रहा था लेकिन वो फटाफट निकल गया और इतनी सफाई से उसको उठाया कि उनको पता नहीं चला कि हमारा बच्चा चला गया है। सुबह जब उनकी जाग हुई तब उन्होंने देखा तो उनका बच्चा ने थोड़ी देर घूमे, फिर उदय मंदिर पर आकर उन्होंने इतला दी। अभी उन्होंने फिक्स नहीं किया था, एक तो जो दोनों हैं उस शराब वराब और इस टाइप की चीजें प्लस 1,000 रुपए पहले वो दे चुकी थी, बाकी इनकी डील अभी चल रही है। बहरहाल पुलिस ने बच्चे को बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।